hello students in previous video we have learned about the food that we get from animals and we have learned that plants cannot always fulfill all the needs of all people in the world so many people add animal product uh, to their diet and uh, we can get milk eggs meat and fish from the animals and we have also learned that Milk is considered to be a complete food. Why? Because milk is a very good source of nutrients for one and all. And today we will learn about the food needs. Food needs means different people need and eat different amounts of food. So you must have observed. एट योर होम दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है क्या वो सेम अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं एक बराबर खाना खाते हैं नौ no. आपके फादर uh, है वो ज्यादा खाना खाते हैं आप है वो कम खाते हैं आपके मदर ज्यादा आपसे ज्यादा खाते हैं so, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपके फादर से थोड़ा कम खाते हैं सो डिफरेंट पीपल नीड एंड ईट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फूड अलग अलग जो पीपल होते हैं वो अलग अलग अमाउंट का खाना खाते हैं और अलग अलग उनकी नीड्स होती है उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है आप छोटे बच्चे हैं ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है ओल्ड पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है सिमिलरली आपके फादर मदर हैं उन उनकी अलग रिक्वायरमेंट है वो अलग जो हार्ड वर्क करते हैं तो उनकी अलग रिक्वायरमेंट है बॉडी की सो so, द टाइप ऑफ फूड द ईट ऑल्सो वेरीज तो वो कैसा खाना खाते हैं वो भी वेरी करता है वेरी मीन्स डिफरेंट टाइप्स का वो खाना खाता द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड डिपेंड्स अपॉन जो खाने का अमाउंट है ज्यादा खा रहे हैं कम खा रहे हैं मीडियम खा रहे हैं कितना खा रहे हैं वो अमाउंट ऑफ फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो डिपेंड करता है किस पे एज कि उसकी एज कितनी है ज्यादा है कम है ऑक्यूपेशन क्या वो काम करता है उसकी जॉब कैसी है सेकंड फिजिकल एक्टिविटी वो फिजिकली कितना एक्टिव है कितना काम करता है बैठा रहता है या बहुत भाग दौड़ करता है या हैवी वर्क करता है तो फिजिकल एक्टिविटी उसका कैसा है एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन दैट मीन्स वो मेल है या फीमेल है so it depends upon these factors so the amount of food consumed जो फूड uh, हम कंज्यूम करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है अपॉन द एज ऑक्यूपेशन फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि किसकी -किस पे डिपेंड करते हैं एज ऑक्यूपेशन फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन डू यू नो पीपल हु डू हार्ड फिजिकल लेबर हार्ड फिजिकल लेबर मींस जो बहुत मेहनत का काम करते हैं जो जैसे लेबर होते हैं वो क्या करते हैं सारा दिन भारी चीज उठाते हैं तो हार्ड फिजिकल लेबर करते हैं ऑफन नीड टू इट मोर चपातीज वो क्या करेंगे ज्यादा खाना खाएंगे ज्यादा चपातीज खाएंगे ज्यादा उनको भूख लेगी एंड ऑल्सो राइस तो ज्यादा राइस खाते हैं ज्यादा चपाती खाते हैं एज कम्पेयर टू वर्क व सिटिंग इन एन ऑफिस उनकी किसकी कंपेरिजन में जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं कंप्यूटर के आगे वर्क करते हैं और आ, मतलब सिटिंग जॉब है उनकी एक जगह बैठ के ही उनका सारा काम होता है तो उनके कंपैरिजन में ऐसे लोग जो फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं हार्ड फिजिकल लेबर करते हैं वो ज्यादा खाना खाते बिकॉज उनकी बॉडी ज्यादा वर्क कर रही है और जो एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं उनकी बॉडी ज्यादा वर्क नहीं कर रही है सो so, जो हार्ड ले फिजिकल लेबर वाला ज्यादा खाना खाएगा उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सो so, वो ज्यादा खाना खाएगा नाव फूड एंड एज सो हाउ फूड एंड एज आर रिलेटेड टू ईच अदर दैट मीन्स कैसे डिपेंड करता है फूड एज के ऊपर वी हैव डिस्कस्ड दैट जो ये हमारा फूड कंजम्पन है वो किस पे डिपेंड करता है एज ऑक्यूपेशन फिजिकल एक्टिविटी एंड जेंडर सो हम डिस्कस करेंगे कि जो फूड कंजम्पशन है वो एज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है सो फ्रॉम बर्थ टिल अबाउट फोर मंथ्स ऑफ एज जब एक बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर फोर मंथ की एज तक स्मॉल बेबीज टेक मिल्क ओनली स्मॉल बेबीज क्या लेते हैं सिर्फ मिल्क लेते हैं दे डोंट ईट एनी टाइप ऑफ सॉलिड फूड कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेते हैं वो सिर्फ क्या खाते हैं पीते हैं ओनली मिल्क कब तक अब टिल अबाउट फोर मंथ्स ऑफ एज जब वो बॉर्न होते हैं तब से फोर मंथ्स की एज तक वो सिर्फ मिल्क पीते हैं एंड मिल्क इज एबल टू फुलफिल दियर बॉडी नीड्स और मिल्क से ही उनकी बॉडी की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है जितनी भी नीड्स है वो सारी फुलफिल हो जाती है बट वेन अ चाइल्ड इज नियरली सिक्स मंथस ऑफ एज सो जीरो टू फोर मंथस की एज तक जीरो मीन्स बाय फ्रॉम बर्थ टू फोर मंथस ऑफ एज तक बेबी सिर्फ मिल्क पीते हैं बट आफ्टर दैट

जैसे चपाती है बिल्कुल पीस उसको नहीं देंगे उसको बिल्कुल सॉफ्ट बना के सेमी सॉलिड जो है उसको बना के कोई भी चीज को उसको हम खिलाते हैं लाइक पेस्ट टाइप में सो द चाइल्ड कंटिन्यूज टू टेक मिल्क ऑल्सो सो ये मिल्क तो पीता ही रहता है जैसे वो बर्थ से फोर मंथ की एज तक मिल्क पीता रहता है तो मिल्क के साथ में हम उसको सॉफ्ट पीसेज ऑफ फ्रूट्स एंड सेमी सॉलिड फूड्स भी देते हैं सो यू कैन सी कि एज के साथ कैसे उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई बर्थ uh, से फोर मंथ की एज तक वो सिर्फ मिल्क से ही अपनी जो नीड्स हैं रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर रहा है बट uh, जब तक वो सिक्स मंथस की एज का हो जाता है तब उसको मिल्क के साथ हम लोग फ्रूट्स एंड सेमी सॉलिड फूड्स भी देते हैं वाई बिकॉज़ उसकी जो बॉडी की नीड्स हैं वो बढ़ गई है सो दे ही और शी नीड मोर फूड उसको ज्यादा खाना चाहिए अपनी बॉडी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एंड देन द ग्रोइंग चिल्ड्रन ग्रोइंग चिल्ड्रन मीन्स लाइक यू जैसे आप है आपकी एज जो है वो ग्रो कर रहे हैं आप राइट एंड यंग पर्सन नीड टू ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट आप हैं आप और यंग चिल्ड्रंस हैं यंग पर्सन हैं उन्हें कैसा खाना खाना चाहिए बैलेंस्ड डाइट ऐसी डाइट जिसमें सारे टाइप्स के अ प्रॉपर अमाउंट में हो तो दैट मीन्स एक टाइप की चीजें उनको आप लोगों को खानी चाहिए दूध पीना चाहिए और राइस वेजिटेबल्स चपातीज ठीक है और फ्रूट नट्स और सैलेड सारी चीजें आपको खूब खाना चाहिए बिकॉज आपकी ग्रोइंग एज है जितना भी आप खाएंगे आपकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है सो यू कैन सी दैट एज जैसे जैसे बढ़ रही है उनके रिक्वायरमेंट्स है जो बॉडी की वो भी बढ़ती जा रही है और जब ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द स्मॉल यंग बेबीज सो so, उनको ज्यादा डाइट चाहिए हर टाइप का फूड जो है वो खाते हैं और उनको ज्यादा खाना लेना चाहिए सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न एंड डिस्कस मोर अबाउट फूड एंड एज कि बड़े लोग जो हैं वो कैसा खाना खाते हैं और ओल्ड पीपल है उनको कैसा खाना खाना चाहिए सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट फूड एंड एज इन अवर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू